आदाब छोटे ठाकुर, तशरीफ रखिए, आइए ना। घोर कलयुग आ गया, छोटे बड़े का कोई लिहाज नहीं रहा। अरे बेटा, तेरा बड़ा भाई यहाँ मौजूद है और मैं सगा नहीं सौतेला मामू तो हूँ, कुछ तो शर्म की होती। अरे मामा, ये तो मीना बाजार है, यहाँ ना तो शर्म होती है और ना छोटे बड़े का लिहाज। मुन्नी बाई के लिए जैसे एक और दो वैसे सौ। यज्ञ, तमीज से पेश आओ। अरे मगत भैया, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, थोड़ी देर के लिए चलिए, फिर चाहे तो वापस आ जाइए। हम अभी नहीं जाएंगे भैया। तू कौन होता मुझे ले जाने वाला? हमें उपदेश देता है तू? भैया छोटे ठाकुर, आपके लिए तो वहाँ कोई इंतजार नहीं कर रहा होगा और ना ही कोई भूखा है। जब तक ठाकुर साहब वापस नहीं आ जाते, आप ही कनिष्क की महफिल गर्म रखिए ना। तुम गलत दरवाजा खटखटा रही हो मुन्नी भाई। न तो मैं किसी का दरवाजा खटखटाती हूँ और ना कभी किसी को मेरा दरवाजा खटखटाने की जरूरत पड़ती है। नालायक, ये इसी बहू का प्रताप है कि तू आज तक इस घर में टिका हुआ है। अगर ये ना होती तो तुझे कब का इस घर से बाहर निकाल दिया होता। रहने दीजिए पिताजी, इन्हें कुछ ना कहिए। आओ बेटे। भैया, सुशी जा देख, तेरे बापू आए हैं क्या? नहीं माँ, वो तो गली का कुत्ता है। ओ ससुरे, सुने भी नहीं देते। तुम सो जाओ माँ, मैं इसे बाहर निकाल देती। अच्छा तुम इतनी रात के क्यों आती हो? अरे प्रेमियों का मिलन तो रात ही में हुआ करता है। जरा बाहर की तरफ तो देख, चांदनी रात, नदी का किनारा, पवन करे सूर, वंस मोर। लेकिन क्या फायदा, हमारी शादी तो हो ही नहीं सकती। बोल दे, ज्योतिषी ने क्या कहा था? क्या कहा था? इधर मेरी डोली आएगी, उधर माँ की खटोली उठेगी। अरे उठने वाले को कौन रोक सकता है? अयोध्या धाम, मानव बनाए जहां सबके स्वामी राम। आप मंदिर में? क्यों, मैं मंदिर में नहीं आ सकता हूँ क्या? एक घुट शराब और कभी कोई संगीत सुनने से आदमी नास्तिक हो जाता है। चलो जाओ जाओ जाओ, भरत इधर आओ। मुझे 5,000 रुपए चाहिए। तिजोरी की चाबियां तुम्हारे पास है ना? जी चाबियां तो मेरे पास हैं, लेकिन रुपए देने का अधिकार मुझे नहीं। वो अधिकार मैं तुम्हें देता हूँ। वाह भांजे वाह, छोटे भाई को इतना बड़ा अधिकार दे दिया। भाई बड़ा भाई हो तो ऐसा। माफ कीजिएगा, ये अधिकार केवल पिताजी ही दे सकते हैं। अगर आ कहें तो मैं पिताजी से बात। ना 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 ना, जीजाजी की पूजा में विघ्न पड़ेगा। तुम्हारा क्या ख्याल है, पिताजी से मैं खुद नहीं मांग सकता? मैंने ये कब कहा भैया? आओ चलो जाओ। मामा, पिताजी से मांगना ठीक होगा? भांजे, जीजाजी से 2-4 हजार मांगने की भूल ना कर बैठना, उनकी नजरों से और गिर जाओगे। अरे मैं तो कहता हूँ जो कुछ मांगना है सब एक साथ मांग लो। अरे वो सब तो ठीक है मामा, लेकिन आज के मुजरे का क्या होगा?
मुन्नी जान के खाली हाथ जाना भी तो ठीक नहीं है ना। खाली हाथ जाए हमारे दुश्मन, मैं तो कहता हूँ घर की गंगा पे नजर की नैया दौड़ाओ। घर की गंगा? तुम्हारी बीवी कितने जेवर हैं उसके पास। हाँ मामा चलिए। आप इतनी जल्दी? यानी लगता है पति की पूजा और आदर सत्कार सिर्फ करवा चौथ के दिन ही किया जाता है, रोज नहीं। पत्नी के लिए पति हमेशा भगवान होता है। आप कभी जल्दी नहीं आते ना, आज आपको अचानक देखकर चौंक पड़ी, रास्ता भूल गए क्या? आज सोचा कि वहां चले जहां सच्चे प्यार की गंगा बहती है। आज हम तुम्हारे प्यार की परीक्षा लेने वाले हैं। मैं तैयार हूँ, आपको मेरी जान भी चाहिए तो वो भी हाजिर है। अरे नहीं जानी, हम तुम्हारी जान लेकर क्या करेंगे हैं? तो फिर वो अपने मामा जी हैं ना, उन्हें सुषमा की शादी के लिए 10,000 रुपयों की जरूरत है। अब वो मामी के गहने बेचने जा रहे थे, मुझे अच्छा नहीं लगा, मैंने उन्हें रोक दिया। आखिर अपने मामा है ना, है कि नहीं? लेकिन इतने रुपए तो मेरे पास नहीं है। मुझे मालूम है। देखो जानी, मामा जी पिताजी से पैसे मांगना नहीं चाहते और वो मुझे देंगे नहीं। तुम अगर उनसे मांगोगी ना, कभी इनकार नहीं करेंगे। नहीं, ये मुझसे नहीं होगा। तो क्या मैं सिर्फ आरती उतरवाने के लिए पति परमेश्वर हूँ? जो मुसीबत में काम ना है वो कैसी पत्नी, काहे का उसका धर्म है? आप ऐसी चीजें क्यों मांगते हैं जिस पर मेरा कोई अधिकार नहीं? अच्छा तो जिस चीज पर तुम्हारा अधिकार है वही दे दो। ये मेरी माँ के घर से मिले थे, ये लीजिए। अरे रे रे रे, मैं इस भानमती के कुनबे को कहाँ कहाँ बेचता फिरूंगा। अरे ये हीरा है ना? हाँ। हाँ तो फिर ये मंगलसूत्र दे दो। लेकिन ये तो मेरे सुहाग की निशानी है। अरे पागल, निशानी तो मुर्दों की रखी जाती है। तुम्हारा सुहाग तो जिंदा है ना, फिर निशानी की क्या जरूरत है, बोलो। हाँ मगर कोई बात नहीं समझती। ये देखो बेटे, मैं अपने गुड्डे का ब्याह कर रही हूँ, आप आएंगे ना? अरे नहीं बेटे, ब्याह करके कभी किसी ने सुख पाया? अपने पिता की तरफ देख और इस गुड्डे। नहीं रोते हैं, नहीं रोते बेटे। भाई साहब, आप इस मंगलसूत्र को लेकर कहाँ जा रहे हैं? वहीं जहाँ से 10,000 रुपए मिल जाए। लाइए इसे मुझे दीजिए, रुपए मैं देता हूँ। रुपए देने का अधिकार तुम्हें कहाँ से आया? ये मेरे अपने रुपए हैं, मैं नहीं चाहता हमारे घर की इज्जत बाजार में बिके। घर की इज्जत? बहुत अच्छे, घर की इज्जत का सबों का ख्याल है, मेरी इज्जत की किसी को परवाह ही नहीं। अच्छे बेटे नहीं रोते, हम तुम्हारे गुड्डे का ब्याह खूब धूमधाम से करेंगे। पिताजी भी आएंगे, अब बहुत सारे लोग आएंगे। अब सो जा बेटे। नहीं पिताजी नहीं आएंगे, जब तक पिताजी नहीं आएंगे मैं नहीं सोऊंगी। ए भाभी लो इसे पहन लो और वचन दो दोबारा इसे अपने गले से अलग नहीं करोगी। मैं इनकार कैसे कर सकती थी? भाभी मंगलसूत्र सुहागन का सुहाग चिन्ह होता है, इसे सुहागन के गले से कोई अलग नहीं कर सकता। हाँ तू मेरा कितना ख्याल रखता है। भाभी माँ का प्यार तो मुझे मिला नहीं, लेकिन जो प्यार तुमने मुझे दिया है उसे शायद मेरी माँ भी ना दे पाती। तुम मेरी भाभी भी हो और माँ भी। पागल। हमारा राजा बेटा चूर उठा हुआ है। हा? मैंने पिताजी से कहा कि मुझे गुंडे का ब्याह करना है तो पिताजी ने मुझे मारा। ओ मारा? बेटे वो तुमसे बड़े हैं, मुझे भी मार सकते हैं और तुम्हें भी मार सकते हैं। हा? और रही तुम्हारे गुंडे की ब्याह की बात, इसके लिए ऐसी चांसी गुड़िया लाऊंगा कि बस दुनिया वाले देखते रह जाएंगे। हाँ चलो सोएंगे, चलो अभी हंसो। पुजारी जी, आपने मेरे दोनों बेटों को पढ़ाया लिखाया, उन्हें हर तरह की विद्या दी, लेकिन गुरु दक्षिणा आज तक नहीं मांगी। वही तो मांगने आया हूँ बड़े ठाकुर। सच? तब कहिए
क्या चाहिए? आपका संकोच ना कीजिए, कहिए। आपका छोटा बेटा भरत रूपा के लिए। हाँ, भाई ये भी खूब है। मतलब ये हुआ कि फिर भी आप कुछ देना ही चाहते हैं, लेना नहीं। बहू तुम्हारा क्या विचार है? फौरन स्वीकार कर लीजिए बाबूजी, इतनी सुंदर गुणवत्ती बहू कहाँ मिलेगी? भरत राजी हो जाएगा? राजी वो तो उछल पड़ेगा। पुजारी जी, भरत आपका, तुम्हें गंगा नहा दिया। अरे भाई जहाँ कहाँ गए हो, अब तो संबंधी बन गए हो, घरे तो मिल लो। भाभी क्या बात है? पाँव छुआ और धन्यवाद दो। क्यों 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 क्यों? अरे आज तुम एक बड़ी मुसीबत में फंसने वाले थे, मैंने तुम्हें बचा लिया। एक बला घर में आने वाली थी, ढल गई। बला? कौन सी बला? हाँ? ए भाभी बताओ ना। आज पुजारी जी ऐसे रूपा के लिए तुमसे बात करें। फिर क्या, पिताजी हाँ करने वाले थे, मैंने ना कर दी। क्या तुम्हें ना कर दी? तू क्या करती, रूपा घर में आती तो रोज रोज महाभारत होती। अरे भाभी तुमने मुझसे तो पूछ लिया होता। मुझसे ज्यादा तुम्हारे दिल को कौन जानता है? पिताजी हाँ कहते और तुम इनकार करते तो बस दोनों में लड़ाई हो जाती, और तुम तो जानते हो पिताजी का गुस्सा कितना है। अरे भाभी तुमने ये क्या कर दिया, तुम कुछ नहीं समझते, बिल्कुल नहीं समझती। क्या बात है भाई, मुझसे कोई भूल मिल क्या? हाँ? तुम दोनों तो जिस तरह लड़ते झगड़ते थे, मैं समझी भाभी वो तो प्यार का झगड़ा था। हाँ? मैं क्या जानू की तुम्हारे दिल में चोर है। दीदी चाचा जी, आंसू पोछिए और बतलाइए आज कौन सा दिन है? आज बहुत बुरा दिन है बेटे। तारीख? पहली। और महीना? अप्रैल, फर्स्ट अप्रैल। पुजारी जी आए थे, बात पक्की कर गए। ए भाभी, तुम्हारे चरण कमलों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। अच्छा ये बताओ शादी कब है? शादी? हाँ। चाचा जी आपकी शादी से पहले मेरे गुड्डे की शादी होगी? तब तो तुम्हारे गुड्डे की शादी फौरन करनी पड़ेगी, ताकि आपका नंबर जल्दी आ जाए। क्यों? हाँ, ऐसी कोई बात है?